हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए देन प्लीज डू लाइक माय चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आलू चाट बनाने के लिए मैंने 5 आलूओं को बॉईल कर लिया है। अब हम इसको बड़े बड़े पीसीस में काट लेंगे। पीसीस को हमें थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। इस तरह से हमने सभी आलूओं को बड़े पीसीस में काट लिया है। अब मैंने एक पैन में थोड़े से ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे जो हमने पीसीस में कट किए हैं। इनको टच नहीं करना है एक बार डालने के बाद, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए एक साइड से। अब ये फ्रेंड्स एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको पलट देंगे। और हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। पहले इसका ऑयल निकाल लीजिए इस तरह से अच्छे से, फिर इसको प्लेट में निकाल लीजिए। सभी आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम सभी जितने भी हमने आलू फ्राई किए हैं सभी को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। थोड़ा प्याज हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। थोड़े सा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है। 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक। और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच देगी लाल मिर्च। और अब हम इन सब चीजों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, सभी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी आलू भुजिया, इसको भी हम थोड़ा सा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच लेमन जूस। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी आलू चाट है ये बनकर तैयार है। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी आलू भुजिया जो हमने बचा ली थी। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। और हमारी बहुत ही टेस्टी
स्ट्रीट स्टाइल आलू चाट बनकर तैयार है।